ज्वालामुखी में राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान के द्वारा किया गया। यह एकेडमी ज्वालाजी क्षेत्र में लॉरेंट ग्लोबल स्कूल कथोग स्थित है। इस एकेडमी के ट्रायल में लगभग 100 से अधिक लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। राइजिंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच ऋषभ चौहान ने, जो कि क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफाइड कोच भी हैं, ने बताया कि इस एकेडमी के खुलने से स्थानीय बच्चों के खेल में निखार आएगा और उनकी प्रतिभा को सुधारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कोई इच्छुक बच्चे इस एकेडमी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे हेड कोच ऋषभ चौहान से 9360-36067 पर संपर्क कर सकते हैं। टैलेंट क्रिकेट एकेडमी हमने शिमला में स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, इसको 1.5 साल हो गया। अब हम यहाँ पे ज्वालाजी में अपने कांगड़ा में स्टार्ट कर रहे हैं एकेडमी लॉरेंट ग्लोबल स्कूल में। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए, ये एक ओपन एकेडमी है। अंडर 12, अंडर 15, अंडर 19 के बच्चे भी यहाँ पे परीक्षण दे सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से कल से हम एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं के जो स्थानीय लोग हैं इनको मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलने से इनके बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा और आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिकेट में। तो आइए हमारी एकेडमी में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे कोचिंग फैसिलिटी देखिए और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम देश और प्रदेश के लिए अच्छे प्रतिभा निकालें और उनको अच्छा क्रिकेट यहाँ पर सिखाएं। ओके। पीआर टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।